आज नौजवानों का, बुजुर्गों का ये जज्बा देख के मुझे यकीन हो चुका है कि वो वक्त दूर नहीं है जब खिलाफत उस्मानिया का परचम दोबारा, मुल्ला उमर मुजाहिद का दौर वापस आने वाला है इंशाअल्लाह। कि आज के बाद पाकिस्तान अमेरिका के कहने पे जंगें नहीं लड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। आज के बाद पाकिस्तान अपने फैसले खुद करेगा, और जब यही जज्बा रहा तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान वही जहाद करेगा जिसे जहाद कहते हैं इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर का फैसला आधा आधा घंटा खड़े हो गए एहतजाज करने से नहीं होगा, अमली तौर पे होगा इंशाअल्लाह। ये इन यहाँ मैंने वो परचम देखा कलमे वाला, और मुझे याद आ गया वो अफगानिस्तान का दौर। मैं उन्हीं को, उन गाजियों को मैं ये बात बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि आज तक हमें ये कहा गया कि पैसे नहीं हैं, हम गरीब हैं, हम मंगते हैं, हम FATF की जद में हैं, हम IMF की जद में हैं, हम वर्ल्ड बैंक की जद में हैं, हम किस तरीके से अमेरिका को आंखें दिखाएंगे। गरीब मुल्क हैं, वो पश्तों की एक मिसाल है। गरीब को पैदा शबे को बेगैरत अच्छा करे, कि गरीब होने में और बेगैरत होने में बड़ा फ़र्क है भाईजान। गरीब मुल्ला उमर मुजाहिद भी था, गरीब अफगान तालिबान भी था, उसके पास हथियार नहीं था, उसके पास ये सोटियाँ थीं। लेकिन वक्त की सुपर पावर को जब उस दौर में कराची की सड़कों पे दाढ़ी से घसीटा जा रहा था मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर को, आज वो मुज़ाकरात के मेज पे घसीटने पे मजबूर कर दिया गया अमेरिका को। वहाँ मुझे कलंदर लाहौरी की उस शेर की तशरीह समझ आती है कि अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। इन्हीं मुजाहिदीन की नज़र कि हम तख्ता व तख्त में से एक चुना करते हैं, हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं। तोप क्या चीज़ है, बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफ़ें चीर दिया करते हैं। और उसी वक्त से मिलता है शहादत का सबक जब अपनी माँ की गोद से दूध पिया करते हैं। दोस्तान ज़ीवकार, हमारा पिछले 20 सालों से मुशर्रफ के दौर के बाद से रवैया माजरत खहाना रहा है। हम लोगों ने जब तक दिलेरी से मुकाबला करना नहीं सीखा, याद रखना ये गलत कहते हैं तुम्हें कि इस्लाम ये कहता है एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरी आगे करो, नहीं ये मेरा मज़हब नहीं है। वो तो कहता है कुरान का कानून है, खून का बदला खून है, हाँ माफ़ कर दो तो बेहतर। दोस्तान ज़ीवकार, जब तक ये बुज़दली, जब तक ये बेगैरती, जब तक ये माजरत खाना रवैया हमारी रियासत अपनाती रहेगी, तब तक पाकिस्तान की बेटियां आफिया सिद्दीकी की सूरत में उठा के दुश्मन लेके जाता रहेगा। जब तक आपका ये रेमन डेविस को बाइज्जत बरी किया जाएगा, तब तक रात की तारीकी में नूर खान एयरबेस से कर्नल जोसेफ को बाइज्जत बाहर भगा दिया जाएगा। आज ज़रूरत इस समर की है। हम हुकामे बाला से भी कहते हैं कि खुदा का खौफ करो, ये कौम बिजली नहीं है ना मिले, पानी नहीं है ना मिले, गैस नहीं है ना मिले, हम घास खाने को तैयार हैं, लेकिन अमेरिका का वो जो एड है उस पर हम लानत भेजते हैं, लानत भेजते हैं, लानत भेजते हैं, वो हमें नहीं चाहिए। अमेरिका की एड की बुनियाद पर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है, कौम की बेटी मलाला यूसुफ़ज़ई नहीं है।